हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोग ज़रूर ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं हूं अभी रास्ते में और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कई व्यू दिखाऊंगा रास्ते में और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा ये व्यू भी। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। तो दोस्तों, शुरुआत कर दी है मैंने आज की वीडियो की, तो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। आज मैं अपने दूसरे रास्ते में हूँ तो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ ये सामने का। ये सामने से व्यू है जिस रास्ते से मैं आज जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और आजकल रास्ता भी साफ़ कर दिया है क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी घास हो रही थी, तो ये रास्ता क्लियर हो गया है आज कल। बड़ा क्या होना? अच्छा, तो मैं आपको यहाँ से भी पार साइड का व्यू दिखा देता हूँ। ये बदांगड़ी है और ये बदांगड़ी के नीचे बिनातोली है, और उसके पास में ताल है, और फिर जो ये टॉप दिखाई दे रहा है इसके पीछे ग्वालदम है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। और ये सामने का नज़ारा है इस रास्ते का आज का। और ये आसपास में लोगों ने पूरा घास काट दिया है और इसको सुखा करके लगा भी दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। ओड़ा क्या हुनो? अच्छा, हुए नाश्ता पे? तो नाश्ता पे काम है माली। वो क्या हुनो? अच्छा, और आज ये जो व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको पास में, ये भी मचकोटी में पड़ता है, और यहाँ इस गांव का नाम ग्वाड़ेगिर है। तो ये भी एक छोटा सा गांव है पर मचकोटी में आता है, और नीचे ये आप रत्नेश्वर महादेव देख सकते हैं, शिव का मंदिर है। और ये यहाँ से व्यू है नीचे रति सिरे का, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी रास्ते में हूँ, चल रहा हूँ। जैसे जैसे जो भी व्यू मूवमेंट आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और सभी लोग अपने कामों में व्यस्त है क्योंकि आजकल घास है, घास को काटना है और फिर उसको सुखाना है, फिर उसको लगाना भी है, तो इसलिए सभी लोग व्यस्त हैं क्योंकि आजकल बिल्कुल लोगों को टाइम भी नहीं मिलता है पानी पीने तक का, तो इसलिए सब लोग लगे हैं कामों में। जो ये घास काट कर लगाते हैं तो इस टाइप में लगाते हैं, और एक लकड़ी का डंडा होता है उसको पहले ज़मीन में लगा देते हैं, गाड़ देते हैं उसको, फिर उसके बाद ये सूखे घास को इस टाइप से लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल 6 महीने तक चल जाता है ये घास, क्योंकि इस टाइप से बनाने पर ये जो घास है बिल्कुल पानी से सड़ता नहीं है। नहीं तो अगर हम वैसे फैला के लगा देंगे तो घास सड़ने की संभावना है। तो ये एक बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक है कि जो इस प्रकार से लगा रखा है तो ये घास बिल्कुल भी नहीं सड़ता है और बिल्कुल भी पानी नहीं लगता है। और मैं और भी पास से इसको दिखा देता हूँ, ये पूरा सूखी घास है। दोस्तों, मैं चल ही रहा हूँ अभी रास्ते में, और ये रास्ता भी सेम वैसी है, लगभग अप डाउन वाला और फिसलन वाला। तो मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, जितने भी व्यू आएंगे आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सर नमस्कार। सर और सर सब बढ़िया? अच्छा, और बाकी ठीक है ना सर? अच्छा, ऐसी काटिया लग घा है ये एक काटिल घा? अच्छा, कती कैट से? अच्छा, रही ना? अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ की महिलाएं कैसे घास काटती हैं। बिल्कुल सुबह ही आ गए थे और काफ़ी काट दिया इन लोगों ने घास, और इन
की जो हाथ चलाने की जो टेक्निक है बहुत ही परफेक्ट है, और बिल्कुल बचपन से ही इन लोगों ने इस कला में महारती हासिल की है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दराती से घास काट रहे हैं, और नीचे मैडम आ रही। गुड मॉर्निंग मैडम, पहुंच गए आप? अच्छा अच्छा और नीचे साइड में ठंडा कितना हो रहा? अच्छा 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 और बाकी सब बढ़िया? अच्छा अच्छा तो आपने देखा होगा कि पहाड़ की महिलाएं सुबह से काम में लगी हुई है, और इन लोगों को ये अपना टास्क पूरा करना है दीपावली से पहले, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है। तो ये घास अगर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे तो ये सड़ने की इसकी संभावना है, तो इसलिए दीपावली से पहले इन लोगों को अपना ये काम कंप्लीट करना है। तो दोस्तों काफ़ी संघर्षमय जीवन है और डेली रूटीन का हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये लोग अपना इंजॉय भी ऐसे ही काम में लेते रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती अब। तो हम लोग भी बिल्कुल अब परफेक्ट हो गए पहाड़ों के लिए, अपना तो थकान लगती है ना, तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है पहाड़ों में। तो ये है पहाड़ों की लाइफ स्टाइल, और आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। तो ज़रूर दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, और आपको काफ़ी पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।